दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू के जानीपुर से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि 42 साल के राजेश कुमार की जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है और जिसके बाद उनके परिवार का इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू के जानीपुर के अंदर जो कृष्णा जानीपुर का इलाका पड़ता है वहाँ से खबर सामने आ रही है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक 42 साल की राजेश कुमार नाम की एक व्यक्ति थे उनकी जो है वो जान चली गई और जिसके बाद परिवार में इस समय जो है वो दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन ऐसे में गंभीर आरोप इस समय जो है पुलिस पर यहाँ पर जानीपुर पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 42 साल के राजेश कुमार जो कि जम्मू के जानीपुर के अंदर कृष्णा जानीपुर इलाके के रहने वाले थे, वो एक रिचार्ज की दुकान पर काम करते थे। ना जाने क्या वजह रही है कि जिसके चलते 42 साल के राजेश कुमार जी ने आज इस तरह का कदम उठाया है, जिसके वजह से आज परिवार में जो है मातम का माहौल यहां पर छाया है। आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। फिलहाल पुलिस इस समय जो है मौके पर यहाँ पर पहुँची और इस पूरे मामले को हर एक एंगल से देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये तस्वीर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 42 साल के राजेश जी जिनकी तस्वीर इस समय जो है आप सब लोग अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू के जानीपुर के अंदर जो कृष्णा जानीपुर का इलाका है वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन आज जिस तरह से ये जो भी पूरा मामला पेश आया है ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है और जिसकी वजह से आज हर किसी की आंखें जो है वो नम हो चुकी है। हालांकि बताया ये जा रहा है परिवार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये कहना है कि जनाब ये जो है वो एक रिचार्ज की दुकान पर काम करते थे, लेकिन ऐसे में न जाने क्या हुआ है कि जिसके चलते इन्होंने खुद को जो है वो एक अपने ही घर के अंदर फंदा लगा लिया है और जिसके नतीजे में इनकी जो है वो जान चली गई और ऐसे में परिवार का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ओम शांति लिखना ना भूलिएगा और पुलिस से अपील है कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। और वहीं जो जानकारी पुलिस से हमारी जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जनाब ये 42 साल के जो राजेश कुमार हैं ये पिछले ये कहें कि 2007 से हिस्ट्री शीटर चल रहे थे और इनके खिलाफ कई सारे जो मामले थे वो पुलिस थानों में दर्ज थे और ऐसे में पुलिस द्वारा इन्हें थाने में जो है बुलाया गया था कल के दिन के लिए, लेकिन ऐसे में ना जाने क्या वजह रही है कि उसके पहले इन्होंने खुद को जो है वो फंदा लगा लिया है और जिसके नतीजे में इनकी जो है वो जान चले गई है। मैं पहले इन्नी देर लड़ी है, सब कुछ किया, भाई इज्जत बड़ी हो रे, कोई जुर्माना नहीं लग्या, कुछ नहीं लग्या, भाई इज्जत बड़ी हो, अस खुश हुई, अस ठीक हुई है लाइफ, सब ठीक ठाक चला, सब कुछ ठीक है, एक थोड़े पिछले महीने से लग गया पीछे वाले पे दे शरीफ बंदे के जी नहीं जाने अपनी लाड़ी की कौन बेइज्जती दी सा मैं तो नहीं आख्या मैंने कोई गल नहीं मैं कोई गल नहीं मैं Yeah.
दुखद तस्वीरें जम्मू के जानीपुर के अंदर से आपको जो कृष्णा जानीपुर का इलाका है वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 42 साल के राजेश कुमार ने खुद को फंदा लगा लिया है और जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल इस समय यहां पर जो है वो शाया हुआ है। और ऐसे में पुलिस की बात करें तो पुलिस मौके पर यहां पर पहुंची है, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि जनाब 42 साल के राजेश कुमार जो कि जम्मू के जानीपुर के अंदर कृष्णा जानीपुर के रहने वाले थे, इनके खिलाफ ये कहें कि कई सारे जो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड की गई थी और ऐसे में ये एक हिस्ट्री शीटर थे, ऐसा पुलिस का कहना है। और ऐसे में पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये एक हिस्ट्री शीटर थे और ऐसे में पुलिस ने इन्हें थाने में बुलाया था, लेकिन ऐसे में उससे पहले कल के दिन के लिए इन्हें थाने में बुलाया गया था और उससे पहले इन्होंने खुद को फंदा लगा लिया है और जिसके बाद इनकी जान चली गई है और परिवार पर जो है वो आज दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं पहले इतने देर लड़ी हां, सब कुछ कीता, भाई सब बरी होए रे, कोई जनमाना नहीं लग्या, कुछ नहीं लग्या, भाई सब बरी होए, अस खुश हुई, अस ठीक हुई है लाइफ, सब ठीक ठाक चलवा, सब कुछ ठीक है, थोड़े पिछले महीने से लग्या पीछे वाले पे दे श्री पति के जी नहीं जाने, अपनी लाड़ी की कौन बेइज्जती दिखता है। मैं तो मियां क्या, मैंने कोई गल नहीं, मैं कोई गल नहीं, मैं ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਐਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਖੇ ਵੀ ਪਰੀ ਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰੇ। काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 42 साल जिनकी उम्र है राजेश कुमार, इन्होंने अपने ही घर के अंदर कृष्णा बिहार जानीपुर का जो इलाका है वहाँ पर खुद को अपने ही घर के अंदर जो है वो वहाँ पर फंदा लगा लिया और जिसके बाद लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है कि आखिरकार जनाब 42 साल के राजेश कुमार जी को जो है वो ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते आज वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जिसके बाद परिवार जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। एक बार फिर से इनकी तस्वीर आपको दिखा दूँ तो ये वो राजेश कुमार जी हैं जिनकी उम्र लगभग 42 साल के करीब बताई जा रही है और बिहार जानीपुर के रहने वाले हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जनाब ये एक हिस्ट्री शीटर थे और इन्हें थाने में बुलाया गया था, लेकिन ऐसे में उससे पहले इन्होंने खुद को ऐसा ये कहें कि फंदा लगा लिया है कि जिसके चलते आज ये 42 साल के राजेश कुमार जी दुनिया में नहीं रहे हैं और जिनकी पत्नी का, जिनके बच्चों का आज रो रो कर बुरा हाल है और ये कहें कि उनके परिवार में इस समय जो है वो मातम का माहौल छाया हुआ है। पुलिस मौके पर है, मामले की जांच की जा रही है और परिवार द्वारा गंभीर आरोप इस समय जो है वो पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो जांच से जुड़ा है। और जानीपुर के अंदर जो बिहार जानीपुर का इलाका पड़ता है वहाँ से खबर सामने आ रही है कि हाउस नंबर जो 369 है कृष्णा बिहार जानीपुर का, वहाँ पर जो रहने वाले एक राजेश कुमार जी जिन्होंने अपने ही घर के अंदर उस वक्त जो है फंदा लगा लिया है जब पुलिस द्वारा जो है वो उन्हें कल के लिए थाने के अंदर बुलाया गया था, लेकिन थाने में जाने से पहले उन्होंने खुद की जीवन लीला जो है वो अपने ही घर के अंदर वहाँ पर खुद को फंदा लगाकर समाप्त कर ली है और जिसके बाद परिवार इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। मामला जांच से जुड़ा है, कुछ भी कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप जनता अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ पूरी वजह रहेगी। जिस तरह से पुलिस पर इस समय जो है वो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव इसमें ज़रूर दीजिएगा और आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद, जय भारत।